धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। यार आ चुका हूँ एक और न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो के साथ में। आपने जैसा कि अभी प्रीव्यू में वीडियो देखा, ये वाला वीडियो आप बहुत आसानी से बना सकते हो और वो भी VN एप्लीकेशन की मदद से। सबसे आसान तरीका इस ऐप से बनाने का, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका APK मोड डाउनलोड करना है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आप इसको ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आप लोगों के ऐसे वीडियोज रेगुलर मिलते रहें, ठीक है। तो अपन जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ से अपने कितने 18 फोटोज़ को ऐड कर लेने, जो आपके बेस्ट फोटोज़ होने वाले, ठीक है। जैसे कि मैं गर्ल्स के 18 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 5 फोटोज़ को ऐड कर लिए, 5 फोटोज़ को ऐड करने के बाद में मैं यहाँ से कुछ टोटल 18 फोटो ऐड कर लेता हूँ। चलो मैं जल्दी से सारे फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 18 फोटोज़ को ऐड कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर ओरिजिनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से टिकटॉक का 9 वाले रेशो को ऐड कर देना है। जैसे आप इसको ऐड करोगे, जो फुल स्क्रीन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ना आपके सारे फोटोज़ यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को टैप टू ऐड म्यूज़िक पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से म्यूज़िक पर जाना है, इसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर जाना है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया, जिसका प्रीव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। वो अपना साउंड है, मतलब आपका MP3 ऑडियो होने वाला है। वो कैसे होगा, जैसे कि वो ये वीडियो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैंने पहले से ऐड किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका रीनेम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा। इसको ओके करने के बाद मैं यहाँ से इस पर सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। अब इसका जो ऑडियो ना, वीडियो का ऑडियो वो यहाँ आ चुका है, वीडियो नहीं आएगा, ओनली इसका साउंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साउंड को आने के बाद अपन इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे 2 फिंगर की मदद से। इसके बाद अपन को यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करना है, और अपन को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बीट का, अपन बीट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अपन को इसके अंदर बीट को ऐड करना है। अपन को बीट कैसे ऐड करना है, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो, मैं बीट के ऊपर जैसे कि ऑडियो के ऊपर आ चुका हूँ। तो जैसे कि पहला बीट, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा साउंड उठा हुआ है, एक साउंड यहाँ पर उठा हुआ है, एक साउंड यहाँ पर उठा है, एक साउंड यहाँ पर उठा है, समझ गए कैसे कैसे, देख सकते हो। जैसे कि मैं पहले एक साउंड यहाँ पर उठा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक साउंड यहाँ पर उठा है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो एक और जो बीट है वो यहाँ से उठा हुआ है, तो मैं इसके बाद यहाँ पर भी मैं इसको ऐड करूँगा। अब जैसे कि एक बीट यहाँ पर है, इसके बाद में एक बीट, इसके बाद एक बीट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बीट और जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद में ना आप लोगों को यहाँ पर एक आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और एक आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको 8 बीट को इस तरीके से ऐड कर देना है। इसके बाद की जो बीट है ना, वो ज़्यादा बड़े मैटर नहीं करते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक यहाँ पर कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक यहाँ पर कर लेता हूँ, एक मैं कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, जहाँ पर आपको मतलब बेहतर लगे। अगर आप करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, साउंड सुन के आप है ना तबला, जो मतलब बैकग्राउंड में तबला बजता है, आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक कर दूंगा, मैंने यहाँ से सारे बीट को ऐड कर दिया। सारे बीट को ऐड करने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से एक फ़ोटो को यहाँ से लेकर के आएंगे। जैसे कि अपन इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को यहाँ से अपन इस तरीके से लेके आएंगे। जब अपन लेके आएंगे ना, तो हर एक बीट पे ये वाइब्रेट होगा, मतलब ये बोलेगा यहाँ रुकने की। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो को फर्स्ट वाले बीट पे रोक देना है। जैसे कि ये फर्स्ट वाले फोटो को फर्स्ट वाले बीट पर लाया, ये वाइब्रेट होकर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड वाले फोटो को लाया, सेकंड वाले बीट पर लाया, ये वाइब्रेट हुआ, ये छोड़ दिया, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे ना इस तरीके से, तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले फोटो पर लेके इस वाले बीट पर लेके आऊँगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ रुक जाएगा, मतलब बीट के ऊपर ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। इस ऐप की ये खासियत है, ठीक है, सभी के अंदर वैसे तो ये, ठीक है। अब इसके बाद में ना अपन इस पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। अब इसके बाद में मैं इसको भी लेके आऊँगा और इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों को सारे फ़ोटोज़ को सारे बीट के साथ में ऐड कर देना है। चलो जैसे कि मैं सारे फ़ोटोज़ को बीट के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने सारे फ़ोटोज़ को बीट के अकॉर्डिंग सबको एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इफेक्ट्स को, मतलब इफेक्ट आपको यूज़ करने हैं। आपको इफेक्ट कौन से यूज़ करने हैं, आपको एक फ़ोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इफेक्ट्स पर जाना है। इफेक्ट्स पर जाने के बाद में आपको थोड़ा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद में ना आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड वाला, ठीक है। आपको एक्सपेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको फुल ऐड करोगे,
इसके बाद में ना आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। इसको ऐड करने के बाद में ना अपन को सभी में यही वाला अप्लाई नहीं करना, बाकी आपको आसानी तरीके से मैं आपको बताने वाला, मतलब आपको आसानी रहे, ठीक है। अब आपको याद करना है, एक फ़ोटो, दो फोटो, तीन फ़ोटो, ठीक है, चार से पाँच फ़ोटो, और ये छः सात फ़ोटो, और ये आठ फ़ोटो। आठ फ़ोटो तक तो आप लोगों को एक्सपर्ट वाला ही यूज़ करना है। आठ के बाद में ना आपको क्या करना है, आपको इस फ़ोटो पे क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ से एफएक्स पर जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा वाला, ये जूम आउट का, ठीक है, जूम आउट वाला आपको मिलेगा। इसके बाद में अपन इस पर क्लिक करेंगे, फुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोटो पे चलेंगे, एफएक्स पे जाएंगे और अपन इस पे जाके फिर आपको यहाँ पे जूम आउट का ऑप्शन मिलेगा और अपन इसको फुल एड कर देंगे। इसके बाद में इस फोटो पे जाएंगे, इसके मतलब आठ फोटो के बाद में जितने भी फोटो है ना सब पे आपको जूम आउट वाला ही यूज़ कर लेना है और आपके सारे फोटोज़ में ये ऐड होने के बाद में ये इफेक्ट भी यूज़ हो जाएगा, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये इफेक्ट भी इस तरीके से मतलब ये इफेक्ट यूज़ हो जाएगा। चलो जैसे कि मैं सारे फोटोज़ को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने सारे बीट को मतलब सारे इफेक्ट को जो है ऐड कर दिया है, इसके बाद में जो आपका जो स्टेटस वीडियो है वो कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। तो चलो अपन एक बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं, हो सकता है आपके सामने मतलब साउंड जो है ऑफ रहे, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ऐसा ही कुछ आपका वीडियो लगने वाला है, तो इस तरीके का वीडियो आप लोगों को ज़रूर से बनाना चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके का वीडियो ऐसे ही बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आने वाला हूँ।